गुड मॉर्निंग गाइस, नया दिन नई सुबह नई कहानी। तो आज जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम आए हैं कहाँ, गैंगटॉक में, सिक्किम में। तो आज गैंगटॉक एक्सप्लोर करने वाला दिन है, थोड़ा काइंड ऑफ रेस्ट डे है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि परमिट बनाने वाला दिन है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप गैंगटॉक घूमने आते हो और इनर लाइन में घूमने जाते हो तो आपको कुछ कुछ परमिट्स बनाने पड़ती है, लेकिन वो सब बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या खुलेगा, एसजे का ढाबा यहाँ पे तैयार हो चुका है। एसजे के ढाबा के जो सबसे प्रमुख शेफ है, क्या बनाएंगे सर? मैगी मैगी। और यहाँ पे विष्णु भाई है जो हमसे बात करेंगे अभी परमिट के बारे में। विष्णु भाई आओ बैठो यार। क्या क्या परमिट चाहिए होता है? एक नॉर्थ सिक्किम के लिए परमिट है और एक ईस्ट सिक्किम के लिए परमिट है। ठीक है। अगर नॉर्थ में गुरुदोंगमर वगैरह जाना है तो उसके लिए परमिट लगता है। ठीक है। और इधर नाथुला पास और बाबा मंदिर जुलोक ये सब जाना है, ओल्ड सिंह रूट जाना है तो भी उसका परमिट लगता है। और परमिट के लिए सबसे पहला बात कि अपनी बाइक अपने नाम पे होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जिनके नाम पे उनसे ऑथराइजेशन लेटर लेके आओ, वोटर आईडी कार्ड भी चाहिए और साथ में बाइक की सारी डॉक्यूमेंट्स, डीएल हो गए, आरसी कार्ड हो गई और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सारा सब कुछ चाहिए। और क्या पैसे वैसे? पैसे जनरली अभी कोविड के कारण यहाँ पे सिर्फ एजेंट्स बनवा रहे हैं तो 1000 रुपीज ऑन एन एवरेज लगता है यहाँ पे पर हेड। पर हेड अभी पहले क्या करते हैं यहाँ पे, खाना वाना खाते हैं यार थोड़ा सा। मतलब विष्णु भाई भी कल करीब 16 घंटे की राइड करके आए, ये 3 दिन से राइड पे राइड किया जा रहा है तो आज काइंड ऑफ रेस्ट डे है। लेकिन आप रेस्ट मत करो, आप पूरी वीडियो देखो, मजा आएगा। यहाँ पे भी जहाँ भी पॉसिबल होगा अच्छे अच्छे शॉट्स आपको दिखाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है। भैया 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह, और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। नया नया चैनल है भाई का, सपोर्ट करो, मस्त मस्त व्लॉग्स आने वाले हैं ट्रैवल के, एंजॉय करो, आप भी घूमो हमारे साथ। ए फ्यू मिनट्स लेटर तो यार गाइस, परमिट और एफिडेविट तो हमारा बन चुका है, मतलब 1 से 1.5 घंटा लगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई बट हो गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने, मतलब लेंगे खाना यहाँ से, मोमोज लेंगे और उसके बाद पैटीज वैटीज लेंगे और फिर चल देंगे होटल की तरफ, क्योंकि एसजे भाई भाई मतलब उठते ही भाई भूख लगी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट काम यही था, क्योंकि अगर ये नहीं हो पाता ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। तो चलो फिर कुछ ढूंढते हैं बढ़िया और फिर लेते हैं। इंतजार था कि भाई साहब हमें मैगी खिलाएंगे लेकिन ये लेकर आगे कुछ और हुआ। ये देखो ठंड लग रही है वैसे तो, रुक जा भाई खा लेंगे यार, तुरंत खाना ही है क्या? अच्छा खा ले खा। हुआ ये कि भाई के पास जो बाइक है वो इसके अभी नाम नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको वही बाइक जैसा भाई बता रहे थे अपने नाम वाला सिस्टम, तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन ये क्या क्या करा है इसके चैनल पे मिल जाएगा, इसने अच्छे से डिटेल में समझाया होगा। अभी जो यार सबसे मस्त चीज बताऊं, ये क्या है पता, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आटा है, टोइफू गूंथ के रख दिया है, पर ये मोमो है। क्या ये टोइफू? टोइफू, तो इसको खाएंगे। ये मेरे लिए लाया, इसमें चिकन है? वेज है। अरे घास फूस कौन खाएगा, लो तो इसको खत्म करते हैं। रखो नीचे रखो। नहीं नहीं भैया मेरे मुंह से निकल गई। अभी जाएंगे यहाँ पे जो MG रोड है वो देखने के लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि आज हो गई है शाम। आज हमने भाई अपना पूरा किया काम, जो वीडियोस वगैरह होता है वो, और हमने एक छोटा सा रेस्ट लिया। इधर विशेष है, इधर विष्णु भाई है, ये सब तैयार हो रहे हैं और अभी यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेंगे, कुछ खाना पीना खा लेंगे, आपको दिखाते हैं, फिर बाकी की चीज बाकी के प्लेसेस आपको दिखाएंगे धीरे धीरे करके। तो वीडियो पूरी देखना, भग मत जाना, ठीक है? अभी हम लोग हैं गैंगटॉक के MG रोड पे। जैसे हर पहाड़ी वाले शहर में आपको एक मॉल रोड मिलता है, यहाँ एक MG रोड है और यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने जूते लिए, ये पुराने हैं, ये नए हैं, ये देखो। एक्सप्लोर
करते करते मतलब ढूंढते ढूंढते हम थोड़ा और मतलब अंदर आ चुके हैं अभी ये गैंगटॉक के एमजी रोड पे। और यहाँ पे यार देखो एक बहुत बढ़िया चीज़ मुझे दिखी है, दिस इज़ लिटिल फ्री लाइब्रेरी। ये देखो ये कैसे बुक्स निकाल के पढ़ रहा है, हालांकि एक्टिंग कर रही है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप चाहो तो लेके नहीं जा सकते। लेकिन यार जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी फिलहाल के लिए दिस इज नॉट द सेफ ऑप्शन टू टच और एनीथिंग। यू आर सैनिटाइजर आल्सो कोरोना। अच्छा सैनिटाइजर भी है, ओह वाओ ब्रो, नाउ इट्स कूल। तो यार एमजी रोड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमें एक मंदिर मिला, इनफैक्ट विशेष ने खोजा ये मंदिर। विशेष पहले आ चुका है गैंगटॉक, फिर भी इसने बोला कि ये पहली बार ही उसने ये मंदिर देखा। और यहाँ पे एक भाई से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये मंदिर का नाम है ठाकुर बाड़ी। तो देखो ठाकुर कहते हैं भगवान जी को और उनका घर है मंदिर है, और अब ये स्टार्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जैसा आप मेरा बैकग्राउंड में देख रहे हो। और इधर जो है विष्णु भगवान के सारे रूप को दिखाया गया है, जैसे आप ये देखोगे तो ये मत्स्य अवतार है, ये कच्छप है, ये पता नहीं कौन सा है, उसके बाद नरसिंह, फिर वामन, बहुत सारे मतलब जो भी अवतार हैं सबको ऐसे स्कल्पचर्ड है। और यहाँ ऊपर में भी भाई बहुत ही बढ़िया मतलब ये मंदिर जब बनेगा ना, मतलब ज़्यादातर विष्णु भाई यहाँ पे हमने यही देखा है कि गोम्पाज हैं, मॉनेस्ट्री हैं, लेकिन ये मंदिर देखने में भी वो है कंफ्लुएंस है कि एक मॉनेस्ट्री स्टाइल में मंदिर बनाया गया है। हाँ मॉनेस्ट्री स्टाइल में मंदिर कह सकते हो उसको, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यार। तो यार अभी हम आए हुए हैं टेस्ट ऑफ तिब्बत एंड यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है चिकन मोमो। ये क्या होता है भैया? इसी का पानी होता है क्या? नहीं नहीं ये बनाया हुआ है। बनाया हुआ मोमो सूप। चलो ठीक। एक और आइटम मंगाया था यार हमने, इसका नाम है चिकन गुजिया। चिकन फैले। चिकन फैले स्पेलिंग बताओ। एच। बता दो एक चीज तो भाई, ये नीचे जाएगा ये हाथ में रहेगा, वो हाथ में रहेगा। तो यार एसजे भाई यहाँ पे हमें चॉपस्टिक से खा के दिखाएंगे, हो जाओ सर शुरू। चलो करो। देखो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, सबसे पहले आपको इस हाथ से बनाना होता है। वो ठीक है, एक बार उठा के दिखाओ। भाई उठा दिया ना, उठा दिया। देखो सही है, सही है, सही है।